नमस्कार मुकिलस प्रिय दर्शक बंधु जीवन तहार कार्यक्रम को पुनर्बार स्वागत जनाए। आज ध्यान निम्ते आसतु पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल प्रेरित पुस्तक 27 अध्याय एक पदरु 20 पद पर्यंत पाठ करिवा। आज पठित शास्त्रांशर मुख्य विषय है रोम आड़कू जात्रा। प्रिय दर्शक बंधु आसतु आज शास्त्रांश को मिलित भाव में पाठ करिवा। जेतेबेले आंभ मानंकर जहाजरे चढ़ी इटालिया को जीवा स्थिर होता सेतेबेले पाउल और अन्य केतेक बंधी राजकीय सैन्य दल जुलियो नामक जड़े शतसेनापति हस्तरे समर्पित हेले। सेथिरे आसिया उपकूल में विभिन्न स्थान को जीवा निमंते उद्यत गोटे आद्रा मूर्तीय जहाजरे आंभे माने चढ़ी जहाज फिटाई देलु। आउ माकेदोनियार आरिखास्त नामक जड़े थेसलोनिकीय लोक आम मान सांगरे थिला। परदिन आंभे माने सिदन रे पहुंचिलु। आउ जुलिया पाउलों प्रति सदैव व्यवहार करी अपना मित्र मानक निकट को जाई सेवा पाइबा निमंते अनुमति देले। सेही स्थानरु जहाज फिटाई प्रतिकूल पवन हेतु आंभे माने कुप्रर उहाड़े उहाड़े यात्रा करी पांच किलिकिया ओ फपुलिया सम्मुखस्थ समुद्र पार हो लुकिया मुरा को आसिल। सेठारे शत सेनापति इटालिया को जाउथिबा गोटे अलेक्जेंड्रिया जहाज पाई सेथिरे आम मानक चढ़ाई देले। परे अनेक दिन पर्यंत धीरे धीरे जाई कष्टरे किन्नत सम्मुखरे उपस्थित होई पवन आंभ मानक आग को जीवापाई छाड़ी न देबारु साल्वनीर सम्मुख दे कृतिर उहाड़े उहाड़े यात्रा कलु। पुणी कष्टरे कूले कूले जाई सुंदर बंदर नामक गोटे स्थान को आसिल लासाया सेथिरे निकटवर्ती। एही प्रकारे अनेक समय अतिवाहित होला। पुणी जलयात्रा वर्तमान संकटजनक हो पड़ा कारण सेतेबेले उपवास गत होता। एणु पाउल से मानकु सतर्क कराई कहिले महाशय माने एही जलयात्रा जे केवल माल ओ जहाजर अनिष्ट हेबो ताहा नुहे मात्र आमानक प्राणर मध्य जे अनिष्ट ओ क्षतिकारक हेबो एहा मु जानुअछि। किंतु शत सेनापति पाउलंक कथा अपेक्षा जहाजर चालक ओ अधिकारी मानक कथारे अधिक मनोयोग कले। आउ सेही बंदरटी शीतकाल कटाइबा निमन्ते सुविधाजनक नथिबारु कौनसी प्रकारे फोइनिकस रे पहुँची सेठारे शीतकाल कटाइबा निमन्ते सेठारु जहाज छाड़ी देबाकु अधिकांश लोक परामर्श देले। सेही फोइनिकस क्रीतिर गोटे बंदर ता उत्तर पूर्व ओ दक्षिण पूर्व अभिमुखी परे दक्षिण पवन धीरे धीरे बहिबारु सेमाने आपणा आपणार संकल्प सफल हेला बोली मनेकरी लंगर तोली क्रीतिर कूळरे अति निकट दे जीवाकु लागिले। किंतु अल्प समय उतारे जहाकु उत्तर किला बोली कहंती सेही प्रचंड पवन कूळरु बही आघात करिबाकु लागिला। जहाजटी तोफान रे पड़ी पवनर सम्मुखीन होई न पारिबारु आंभे माने ताहाकु भासी जीवाकु छाड़ी देलु। पुणी क्लाउद नामक गोटे क्षुद्र दीपर उहाड़े जाए कष्टरे जहाजर नौका खंडिक धरी रक्षा करिबाकु सक्षम हलु। आउ सेमाने ताकु उठाई नेला उतारे नाना उपाय रे जहाज को तलु घेरी दे बांधिले। पुणी काले सेमाने सुर्ति नामक चढ़ारे लागिजिबे एही भयरे पाल सबु पकाई दे भासिबाकु लागिले। तफानरे आंभ मानकर अतिशय कष्ट हेबारु तही आर दिन नाविक माने माल फोपाड़ीबाकु लागिले। पुणी द्वितीय दिन रे निज हातरे जहाज सरंजमा सबु फोपाड़ी देले। अनेक दिन पर्यंत सूर्य कि नक्षत्रर देखा न जीवारु पुणी भीषण झड़ लागि रहिबारु शेषरे आंभ मानकर रक्षा पाइबार समस्त आशा दूर हला। प्रिय दर्शक बंधु आसंतु आज पठित शास्त्रांश को बुझा निम्ते चेष्टा करिबा। सम्राट को निवेदन करथिबा पाउल शेषरे रोम अभिमुखे जाउथिबा एक जहाजरे चढ़िले। जदिओ जुलियस सेनापति पाउल को पसंद करती से पायलट एवं जहाजर मालिकों कथा उपरे विश्वास कले जहाँ विपद विषय पाउल अधिक सचेतन करथिले। पाउलंक असंतोष को अणदेखा करिबा परे जारी रहिथिबा एई यात्रा आरंभरे शांतिपूर्ण मने हेउथिला। किंतु सेमाने शीघ्र उत्तर पूर्व किंबा युराकिलो नामक एक झड़र सम्मुखीन होइतिले एवं जहाजटी भांगी जिबार विपद रे पड़िला। जेतेबेले सेमाने जहाज को झड़ दे जिबार विफल हेले सेमाने हार मानिले एवं समुद्र तरंग द्वारा नियागले।
ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଶିକ୍ଷା କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନିବା ପଥ ସର୍ବଦା ସୁଗମ ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହିଂସାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏକ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଖୋଜ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମୟ ଯାହା ତୁମକୁ ପବନର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଯଦିଓ ଜୁଲିୟସ୍ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଜୀବନ୍ତ ତରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ବିନା ମଣିଷ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯିଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ଆମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କେବଳ ତୁମକୁ ଶୁଣିବୁ, ତୁମକୁ ବୁଝିବୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।